उज्जैन के दमदमा क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और भक्तों ने कथा का आनंद लेकर धर्म लाभ लिया। दमदमा क्षेत्र में कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया जाता है, जहां पर भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि संपूर्ण विश्व में अमन चैन रहे और सबका कल्याण हो, यही भावना लेकर श्रीमद् भागवत कथा की जाती है। 7 दिनों तक कथावाचक कई प्रसंगों के माध्यम से धर्म की गंगा प्रवाहित करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्यों अर्जुन से प्रेम हुआ? क्योंकि अर्जुन ने भगवान की मान ली। जाकर के उस गीता का संदेश अर्जुन को समझ में आया और अर्जुन ने गीता का उपदेश मान करके ही भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली। आज बैठे हो मेरे भाई बहनों भगवान के, अब आखिरी में तू हमारी भी मान लेना। अब क्या मानेगा भगवान अपनी? क्या मनवाना ईश्वर से? क्या मनवाओगे? क्या धर्म चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए अपने को? नहीं चाहिए ना धन रुपये पैसा तो नहीं चाहिए, ये तो ईश्वर ने खूब दिया। जब भाई देखो बता देना भगवान बैंक बैलेंस है, घर में तिजोरी में अलमारी में रखा है, जेब पेटी है और जहां जहां रखा हुआ सब बता देना, ताकि सामान्य सेठ मालिक बन जाएंगे तो धन कम नहीं होगा। सामान्य अजय को मालिक बना दो सारे धन का मालिक सामान्य सेठ को, तो आप निर्भय हो जाओगे, तो फिर आपके धन की चोरी का भी कोई डर नहीं होगा। अन्यथा अंत में एक दिन और पछतावा। सुनते हैं हम तेरी खूब मानते हैं, तो जीते जी भले मत सुनना, बुढ़ापे में मत सुनना। दुनिया के लोग खूब मेरे साथी होंगे, मेरे सुनने वाले और मेरी मानने वाले, पर मृत्यु के समय मेरी कोई मानने वाला और किसी की नहीं चलेगी, वहां तू मेरा हाथ थाम लेना, वही मैं आपका इंतजार करूंगा परमात्मा, वहाँ आप मेरे हाथ पकड़ करके अपने धाम को। यह कौन सी जगह है और यह कथा कब से शुभारंभ हुई है और कितने दिन चलती है? ये कथा नागरिक युवा मंच दमदमा के तत्वाधान में विगत 17 वर्षों से यहाँ चल रही है। पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा के द्वारा यह कथा यहाँ सुनाई जा रही है और यह कथा विगत 17 वर्षों से सतत यहाँ की जनता की मांग पर की जा रही है और इस वर्ष भी 3 जनवरी से 10 जनवरी तक कथा का आयोजन होता है। क्या इसका उद्देश्य रहता है और क्या है? देखिए एक भक्तिभाव से सब पूरे इस कलयुग की जो कलयुग का जो दौर चल रहा है इसमें भक्तिभाव से सब लोग भक्तजन जुड़ जाएं और अपने आप को ढूंढने का। कहाँ कहाँ के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या आसपास दूर दराज से सभी दूर से लोग भक्त हैं पधारे हैं। रविंद्र नगर, सेठी नगर, रामी नगर, विक्रम नगर, कोठी लाइन, दशहरा मैदान, PHC कॉलोनी, सभी उज्जैन शहर से सेवा का अवसर देते हैं और सभी तन मन धन से सहयोग प्रदान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।